ऐसे भी बना सकते हैं। अभी मैंने प्याज भी डाला हुआ, प्याज को कच्चा कच्चा। और फाइनली मुझे काम करने में भैया भी मिल गए हैं, ये हमारे भैया आज मेरे को फाइनली। मंडी पहुंच गई हूँ गाइस, में मुझे आलू लेना था, आलू वाला कल आया था पर बहुत महंगा ले रहा था, वरना आई हूँ। थोड़ी सी सब्ज़ी भी ले लूँगी, टमाटर भी देखी क्या रेट है। बात हो रही थी हमारी नंदा की चौकी में, तो रिपोर्ट लगा के आई थी मैं, फिर यहाँ आके तो सूख ही था। जाती हूँ लेती हूँ मैं आलू। वंशिका को छोड़ा वहाँ से 6:30 बजे बैल में, वहीं से सीधे आ गए क्योंकि उसके बाद तो मैं निकल ही नहीं पाती बिल्कुल। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। जा रही हूँ अब शॉप, मैंने छोले वाले बना दिए दिन के लिए, रेडी कर दिया। अब दुकान जाती हूँ, सुबह मंडी गए थे, दुकान हो रही बहुत सुबह आराम। आलू ख़त्म हो गया था मेरा, आलू लेके आई शॉप में रख रखी आलू, मैंने उतार लिया था भारी, मैंने यानी लेके आई मैं। फिर यहाँ से ढोते रहो, फिर यूँ वहीं ज़्यादा लगता है यहाँ के लिए, तो मैं ले आती हूँ वहाँ से 5-1 किलो निकाल के बीच बीच में, वहीं ज़्यादा लगता है। धूप हो रही है बहुत तेज, आज सुबह इतनी बारिश हुई, हम भी मतलब वहाँ जब आ रहे थे मंडी से तो मैं भीग भी गई थी, उधर रेनकोट ले गई थी वैसे, और ऊपर ऊपर का लगाया था नीचे का लगा, भीग गई थी, फिर आके चेंज करा। फिर तो बन गए मेरे छोले, बढ़िया छोले बन गए। शॉप वो शटर खोलते खोलते मेरी हालत ख़राब हो जाती है, एक तो बरसात की वजह से उसमें टाइट हो रहा, वो पानी जा जा के ना। अब तेल लाऊंगी उसमें डालने के लिए, इतना घुमाते रहो घुमाते रहो, तो 60-70 बार घुमाते तब जाके ऊपर पहुंचता है। पसीना पसीना हो गया, मेरा सांस फूल जाता है। अब डरती हूँ मैं, आज तो सफाई भी करनी पड़ेगी, कल किया नहीं मैंने सफाई, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी थोड़ी, अभी भी नहीं है वैसे तो ठीक ठाक हूँ, अभी थोड़ा ज़्यादा बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ। सिलाई थी कट्टा, अभी इसे अंदर भी करना है खींच के, तभी तो पानी डाल के सफाई करूँगी मैं, इसी को अंदर करती हूँ पहले मैं। मंडी में देखो छः गुच्छी थी, 500 का, 1-2 5 की, 2 में गुटी में 20 रुपये किलो, किलो के हिसाब से मिलता है ना। और यहाँ वाले 10 रुपये की इतनी सी देते हैं वो एक टाइम के लिए, 20 रुपये किलो लेके आए, आधा घर में रख के आए, अखबार में लपेट के देखते हैं कि फिर इनसे चलता है, आधा है लेके आ गई। और मैं वैसे भी वो ला के रखा हुआ था मैंने, इतना बड़ा कसूरी मेथी ना कि धनिया महंगा हो रहा है बोल के, तो इतना बड़ा कसूरी मेथी का पैकेट आता भी हो गया, थोड़ा सा करने लगा था, इतना फूल खा लिया, 200 रुपये खाया था ये, मैंने कहा धनिया नहीं है तो तब तक इससे कर लूँ काम, जब धनिया थोड़ा सा ही आने लग जाएगा तब धनिया यूज़ करती हूँ ना मैं, उसमें परांठों में ये कर रही थी, अब थोड़ी दिन इसको नहीं करूँगी, धनिया को करूँगी, 4-5 दिन तो चली जाएगा। पहले ना मैं प्याज चॉप कर लेती हूँ, जरा सफा काम बाद में करूँगी, क्योंकि लाइट का मुझे बड़ा टेंशन रहता है, प्याज चॉप नहीं रहेंगे तो मुझे भी परांठे बनाने में बड़ी दिक्कत होगी, फिर हाथ से करती रहूँगी मैं 1 घंटे तक। पहले मैं प्याज थोड़े से काट के एक दफ़ा चॉप करके रख देती हूँ, आज मतलब लाइट जा रही है फिर ना बार बार, तो मुझे तो बड़ी टेंशन लग जाती है लाइट नहीं तो। प्याज बचा हुआ इतना सा, और ना गिल्ला होगा ना कट्टा, अंदर अंदर ख़राब हो रहा है, इसको दूर निकाल देती हूँ थोड़ा सा मैं आज। जब ले आई कट्टा तो गाड़ी वाला भी आ रखा था, पर महंगे दे रहे हैं लोग, मैं 700 रुपये का कट्टा लेके आई और वो कल मैं जिससे ले रही थी 800 कुछ का बोल रहा था, उसमें भी मतलब मिक्स था, ऐसे नहीं थे बिल्कुल परफेक्ट अच्छे वाले ना,
मैं तो बिल्कुल बढ़िया वाला लाती हूँ, डायमंड वाला, क्योंकि परांठों में तो कोई वो नहीं होता ना कि बड़े बड़े ही लेना पड़ता है मुझे। छोटे छोटे भी मिल रहे थे, छोटे छोटे वो तो और सस्ते थे, 500 के 600 रुपये का 500 कुछ का कटता था, पर उसे तो छीलने में बड़ा टाइम लगता है, छीलने का बड़ा झंझट रहता है छोटे छोटे में। तो मैं हमेशा बड़े बड़े वाले, अच्छे वाले, डायमंड वाले लाती हूँ, जो अच्छा अच्छी क्वालिटी का होता है। तो वही मुझे 700 का पड़ा, और वो जो कल वो दे रहा था ना मिक्स वाला, वो तो 500 कुछ का था, वहाँ पे 550 ऐसे कुछ का, फालतू में पैसे वो कर रहे हैं। ऊपर से माल भी नहीं सही, चल तू 700-800 ले रहा है, कम से कम सामान तो सही दे, है ना। ऐसे ही तो कोई बात है, 100 रुपये से कौन सा मेरा वो हो जाएगा, 50 रुपये तो पेट्रोल भी लग गया होगा मेरा। पर ये कि माल तो अच्छा हो, पैसे ज़्यादा ले रहा है तू, तो सामान भी तो वैसे ही देना, तो A1 दे सामान, मान दे रहा है तू, हर गिलास मतलब जो कम क्वालिटी का वाला और उसका रेट ले रहा है हाई क्वालिटी वाला। मैंने लिया नहीं, फिर मैंने कहा तो सुबह जाके मंडी से ले जाऊँ, तो मैं मंडी से लेके आया और आज आ रखा। फिर वो बोला कि ले लो मैम, मैंने कहा नहीं ले रही मैं तुझसे। आलू वालू छील दिया मैंने, प्याज चॉप कर दिया है, पानी भरती हूँ, पोचा लगाती हूँ, फिर हो गया मेरा आपका काम, नहीं पड़ जाएगा फिर होगी मेरी साफ सफाई। बीच में कस्टमर आ गए थे, फिर अभी लगाया पोचा मैंने जस्ट। करने का मोमो की तैयारी आज थोड़ा फ्राई करके बना रही हूँ लोकी को, क्योंकि लोकी ना वो बरीक वाले से नहीं हो करती, वो मोटे वाले से कर देती है ज़्यादा, तो उससे थोड़ा कच्चा कच्चा सा लगता है खाते समय, तो हल्का सा मैं वो डाल के घी डाल के उसमें थोड़ा सा फ्राई कर दिया मैंने। ऐसे भी बना सकते हैं डाल के, अभी मैंने प्याज भी डाला हुआ, प्याज तो कच्चा कच्चा अच्छा लगता है ना, इसको थोड़ा हल्का सा मैंने वो कर दिया घी डाल के, डालडा खूब सारा। अब डालूँगी इसमें प्याज और मसाले, ये प्याज चॉप किया हुआ डाल दूँगी। थोड़ा और डलेगा, थोड़ा और डलेगा प्याज। धनिया है भाई, धनिया
मोमो फटाफट वो नहीं है। शॉप से आ गई और मैंने शाम की भी थोड़ी सी तैयारी कर दी। आज बनेगा मटर मशरूम और मैं जा रही हूँ मार्केट, मुझे थोड़ा सा काम है मार्केट में। अभी आके बताऊँगी मेरा क्या काम है, क्योंकि मेरे को लेट हो रहा है। तो मैंने ये बना लिया है, मटर बॉईल कर दिया है और ग्रेवी के लिए मसाला रेडी कर दिया है। ये मैंने लहसुन प्याज टमाटर और मगज बॉईल कर दिया है, अभी आके पीसूँगी इसको, ठंडा हो जाएगा। और इसमें मैंने मटर बॉईल कर दिया है 1 किलो मटर, और मशरूम बनेगा आज। तो बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, इससे पहले मैं निकलती हूँ फटाफट मार्केट और सामान वामान लेके आती हूँ और बताऊँगी मैं आपको शाम को आज क्या क्या है मेरे साथ, क्या क्या हुआ है आज, अभी आपको बताऊँगी। ठीक है, निकल रही हूँ। वंशी का ट्यूशन गई और मैं मार्केट। गाइस मैं आ गई मार्केट से, अब मैं आ गई शॉप में, आज भी नहीं गई थी, टाइम ही नहीं लग रहा बिल्कुल। मैं आई थी मार्केट प्लेट लेने के लिए, प्लेट कम पड़ी थी कांटों के लिए, सारा फुल हो जा रहा था, बच्चे ज़्यादा आ रहे थे, तो 6 और लेके आई मैं प्लेट, क्योंकि धोने का टाइम नहीं होता उस टाइम, कस्टमर सब एक साथ आ जाते 10-15 जने, प्लेट कम पड़ी थी, एक एक प्लेट लेके आई शॉप के लिए और एक तवा लेके आई रोटी के लिए। वो उसी तवे में बना रही थी मैं, तो जिसमें परांठे बनाते हैं ना उसी में रोटी बनता है, तो फिर वो अजीब से बनते हैं वो परांठे सेके हुए तेल तेल सा ना, एक ही लेके आई और एक ही लेके आई चाउमीन वगैरह, वो क्या बोलते हैं इसको इसमें फ्राइड राइस वगैरह चाउमीन वगैरह बनाने के लिए ना, कढ़ाई में बना रही थी मैं, थोड़ा हाफ प्लेट चाउमीन बनानी हो तो बड़ी कढ़ाई हो मेरी, तो इसमें बना लिया फटाफट। और जैसे तलने वलने का सामान वगैरह इसमें आराम से हो जाता है, ये सब यूज़ करते हैं चाइनीज़ फूड आइटम के लिए, ये सबसे बेस्ट होता है। और कभी कहीं में और कभी कभी और एक चिमटा लेके आई रोटी सेकने के लिए। और फाइनली मुझे काम करने वाले भैया भी मिल गए हैं, ये हमारे भैया, आज मेरे को फाइनली काम के लिए भी हेल्पर मिल गया है। और मेरे को थोड़ी सी हाथ मिलेगी, कम देना मुझे चाय खाने, बस इतने कहूँगी मैं, आता इतना ही कहूँगी, बस हो गया मुझे खाने में कहूँगी चाय, भैया चाय बना के खिला रहे मुझे। तो आज भी मेरा जिम ऐसे रह गया, क्योंकि मैं पहले मार्केट गई, फिर वहाँ से देर हो गई मेरा, फिर घर जाके सब्जी छोकी बनाया था, क्या नाम से इसको, मटर मशरूम बनाया, और अभी दाल नहीं बना रखी, पहले मैंने कहा शॉप खोल लेती हूँ फिर जाके दाल बनाऊँगी, क्योंकि गैस खाली नहीं था, यशोदा रोटी बना रही है गैस खाली नहीं था, तो मैं सब्ज़ी बना के आ गई हूँ, दाल अभी जाके बनाऊँगी 8 बजे तक जाके, बच्चे तो 8:30 से आते हैं, तो दाल बनानी है फिर अब मुझे, बाकी सब्ज़ी बना के आ गई मैं आज। मुझे थोड़ा सा अब से कल से थोड़ा रिलीफ मिलेगा, काम वाले भैया मिल गए मुझे फाइनली, है देखते हैं कैसा करते हैं काम, क्या करते हैं, पहले तो इनको एक हफ्ता तो मुझे बताने में लग गया, कभी मेरा काम का क्या रूटीन है, कैसा करती हूँ मैं, क्या करती हूँ, किस तरह बनाती हूँ। वैसे तो आता है उनको, पहले भी करा हुआ उन्होंने होटल में, पर ये कि अब मेरा अपना तरीका होता है, हर जगह अपना अपना तरीका होता है ना, बस मैं ले लूँ। गाइस मेरा हो गया है काम ख़त्म, शॉप से आ गई मैं और सब कुछ सुलट गया है, अब सोने की तैयारी है। सोने की क्या मतलब, पहले तो करूँगी एडिटिंग वगैरह, अब मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, काम वाले आ गया, एक रख लिया मैंने आज, वो ढूंढ रहा था काम तो मेरे पास आया, तो मैंने रख लिया उसको, फिर यही कमरा है पीछे में रखूँगी, यही रहेगा वो। और अभी काम समझाना है उसको, अभी एक हफ्ता तो मुझे काम समझाने में लगेगा उसको, कैसे करते हैं क्या करते हैं ना, नाश्ते वाले खाने वाले बच्चे भी आते हैं कभी कभी, तो उनको भी सब कुछ, अब 4-5 दिन तो उसके साथ लगना पड़ेगा मुझे, उसके साथ लगना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे वो समझ जाएगा तो खुद करेगा फिर काम। मेरा ये पिंपल भी नहीं है, ये ना पक रहा है न ठीक हो रहा है, ये बस ऐसे ही बना हुआ लाल हो रखा, पक भी नहीं रहा है, मैंने अभी निचोड़ा ज़बरदस्ती इसको, तो कुछ नहीं निकला, हल्का सा पानी पानी निकला, और इतना दर्द हो रहा है ना, कभी भी नहीं पता नहीं क्यों हो गया, मैंने कुछ ऐसा खाया भी नहीं है, मैंने गर्म चीज़ यही हो रखा, बस एक ठीक ही नहीं हो रहा है, ये पता नहीं क्या हो गया इसको, आज तक मैंने कभी भी नहीं हुआ पिंपल एक भी, पता नहीं कैसे हो गया ये अचानक खुद ही, छोटा सा था तो इतना बड़ा सा हो गया, भयंकर मस्सा जैसा लाल हो रखा, पर पकने का नाम नहीं ले रहा, पक जाता तो ठीक हो जाता ना।
पक भी नहीं रहा है, वो कच्चा ही है बिल्कुल। देखते कब तक ठीक होता है ये पिंपल मेरा। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, ठीक है। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है बताना, ठीक है, कमेंट्स करके बताना मुझे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। बाय, गुड नाइट।